नेक्स्ट नाइन न्यूज़, मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्पेशल प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम ऐसे सिंगर को लेकर बात करने वाले हैं जो हर किसी के दिल में बसते हैं, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सोनू निगम को लेकर। आपको बता दें कि हाल ही में 7th टीफा अवार्ड के दौरान सोनू निगम को देखा गया, जहां पर सोनू निगम अपनी बीमारी का खुलासा करते दिखे। जी हाँ, मीडिया के सामने पहले तो उन्होंने माफी मांगी और फिर अपनी बीमारी का खुलासा किया। अब आप देखेंगे हमारे इस वीडियो में किस तरह से सोनू निगम ने बीमारी का खुलासा किया और कौन कौन से यहाँ पर सितारों का मेला देखा गया, क्या कुछ रहा खास, आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। हाल ही में रखा गया 7th टीफा अवार्ड, जहां पर तमाम सितारों को देखा गया, तो वहीं यहां पर दिखाई दिए सोनू निगम। जी हाँ, आपको बता दें सोनू निगम ने यहां पर अपनी बीमारी का खुलासा किया है। इतने बीमार होने के बावजूद भी वो इस अवार्ड में शामिल होने के लिए आए, वो इन बातों का जिक्र करते देखे गए। इतना ही नहीं, यहां पर बाकी सितारों को भी देखा गया, कई टीवी सितारे भी यहां पर दिखाई दिए, तो कई बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां भी यहां पर दिखाई दी। अब क्या कुछ रहा इस अवार्ड के दौरान, आप देखिए हमारे इस वीडियो में। मैं फर्स्ट टाइम यहां पे आ रहा हूं, ये 7th अवार्ड है, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मुझे बहुत बुखार हुआ पड़ा है, अदरवाइज मैं और जल्दी आता, बट मैं अभी जाऊंगा देखूंगा क्या हो रहा है। इसमें इसमें फर्स्ट टाइम अपने। हाँ हाँ जी, भगवान, ये सब तो भगवान के हाथों में, कुछ क्या होगा देखेंगे बाद में। कुछ नहीं, अपने परिवार के साथ में, बस हम लोग परिवार के साथ में, मेरी फार्म हाउस में हो गया कर्जत में। थैंक यू, वी हैव रीच्ड टू टाइफा and I'm really excited to see who all win the award and बहुत सारे नए नए फिल्म अभी रिसेंटली आए हैं जो कि वेल डिजर्विंग हैं, सो मे द बेस्ट पर्सन विन। मैं एक्चुअली अवार्ड लेने नहीं आई हूँ, आई हैव जस्ट कम टू अटेंड द इवेंट एंड या वी हैव कम एज गेस्ट। एक कमाल की इवनिंग। मैं टीफा में 2015 में आया था, व्हेन जब मुझे बेस्ट होस्ट फॉर इंडियाज़ गॉट टैलेंट से नवाजा गया था। इट्स अ फुल जर्नी नाउ, 3 साल बाद आ रहा हूँ, व्हेन आई एम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन 2018। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ही अच्छा साल गया है, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत रिकॉग्निशन मिला है, बहुत एक्साइटिंग ईयर आ रहा है, एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट वे टू एंड द ईयर एंड ब्रिंग इन अ न्यू ईयर। सॉरी, एक जना। हाँ जी जी, काफ़ी मुझे याद है जब पिछला फंक्शन हुआ था, इट वॉज एट सन एंड सैंड इन 2015, एंड दोज आर द स्टार्टिंग डेज एंड दोज आर ऑल्सो माई स्टार्टिंग डेज एज अ होस्ट। इट वॉज वंडरफुल, आई थिंक एवरी टाइम यू रिकग्नाइज, इट्स एन एनकरेजमेंट कि आप कुछ सही कर रहे हैं जिंदगी में, तो मैं उसी एनकरेजमेंट को इस बार फिर से लेना चाहूँगा और 2019 में और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहूँगा। जी, अवार्ड रिसीव करने आया हूँ फॉर बेस्ट एक्टर टेलीविजन। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ डैजलिंग इवनिंग, बहुत सारे डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड यहाँ पर है, एंड जस्ट टू बी विथ फेलो कमराज ऑफ द इंडस्ट्री एंड आई थिंक इज वेरी स्पेशल, एंड जस्ट टू रिसीव एन अवार्ड इज इवन मोर स्पेशल। जी 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 जी, तो मेरे शो में हमने एक नया सीजन शुरू किया है, एंड आई एम गेटिंग एन ऑपर्चुनिटी टू प्ले शिवांश, हु इज़ द सन ऑफ शिवाय ननिका। बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स, फाइंड न्यू थिंग्स। इट्स हार्ड व्हेन यू प्लेड अ कैरेक्टर फॉर 3 years एंड देन यू आर प्लेइंग समथिंग न्यू ऑलमोस्ट इमिजिएटली अगले दिन, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। 2008 बहुत ही खूबसूरत रहा, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस हुए, देयर वाज अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू हु हैव एम्ब्रेस्ड आर शो इश्कबाज, जो कि मैं जो कुछ और काम किया है उसे भी एम्ब्रेस किया है, इतना अप्रिशिएट किया है, क्रिटिक दिया है, एंड आई थिंक मैं उस सब को लेकर
2019 में और भी अच्छा काम करना चाहूँगा एंड आई होप आई कैन रियली एंटरटेन ऑल ऑफ यू. थैंक यू. बहुत खुशी का माहौल है और ये टाइफा का 7th अवार्ड फंक्शन है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर और मैं शमीम एम खान और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस लेवल का वो अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं और आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर. बहुत खुशी की बात है. बहुत अच्छा लगता है इस तरह के अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो कलाकारों की हिम्मत अफजाई होती है. इट्स वेरी एनकरेजिंग. थैंक यू. देखिए ये मेरा 10-12 साल मुझे रेडियो करते हो गए और ये पहला रेडियो अवार्ड है मुझे बिंदास आरजे के लिए मिला है. टेलीविज़न में डेब्यू तो 2014 में हो गया था उसके लिए मुझे अवार्ड पहले ही मिल गया था लेकिन ये पहला अवार्ड रेडियो के लिए रिकग्निशन के लिए जिसकी वजह से मैं जाना गया तो बहुत खुशी की बात है. एंड ताइफा थैंक यू सो मच कि आपने जो है अप्रिशिएट किया मेरे टैलेंट को क्योंकि रेडियो पे मैं काफ़ी सालों से और हमेशा नॉमिनेट होता हूँ लेकिन कभी अवार्ड मिलता नहीं है तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम मिला है तो खुशी की बात है. बहुत शानदार रही. बहुत बड़े बड़े जीनत अमान जी के हाथों में मिला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे जिनको बरसों जो है हमने स्क्रीन पर देखा है सिल्वर स्क्रीन पर देखा है. पहली बार जो है मौका मिला है कि उनके साथ स्टेज शेयर किया और उनके हाथों तो मतलब ये ब्लेसिंग ही है अपने आप में. बिग बॉस मैंने इस साल बहुत फॉलो किया तबाह करके और मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए बहुत ज़्यादा दुश्मन भी बनाए बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में क्योंकि अगर किसी एक को फॉलो करो दूसरे के वेल विशर्स फॉलोअर्स फैंस जो हैं वो चढ़ जाते हैं तो वो हुआ है. मैं श्रीसंत को फॉलो कर रहा था और दीपिका कक्कड़ को फॉलो कर रहा था तो बाकी लोग वो ट्विटर पे होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम जिक्र नहीं कर सकते. तो अच्छे दोस्त भी बनाए हैं दुश्मन बहुत बनाए हैं बिग बॉस को फॉलो करने के चक्कर में. भाई सीधी सीधी बात है बिग बॉस इस साल जो है वो श्रीसंत जीतने वाला है ये मुझे लगता है. मेरी दिली ख्वाहिश है क्योंकि करण माय वाइफ इज देयर एंड शी इज सेइंग करणवीर सो करणवीर बोल रहा आ जा कम ये मेरे साथ नचबलिए में थी और इनके कारण ही जो है मैं डांस कर पाया अदर अदरवाइज नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता. तो इनकी चॉइस जो है वो करणवीर बोल रहा है. बीबी के आगे किसी की चलिएगा भाई जो मेरी चलेगी सारे कैमरा में हंस रहे हैं हमारी भी नहीं चलती. न्यू ईयर का कोई खास स्पेशल प्लान नहीं टाइम साथ में स्पेंड करेंगे 31st नाइट जो है वो साथ में घर वालों के साथ स्पेंड की जाएगी. दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर न्यू ईयर. ज़रूर इबादत की जाएगी ऊपर वाले की गुरुद्वारे जाया जाएगा क्योंकि हम हर्षल जाते हैं और फिर हाउस पार्टी घर पर. Thank you so much. Happy New Year to everybody. Thank you so much. बिग बॉस के बाद इतने धमाके कर दिए कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती टेंशन लेने की. तो फिलहाल मैं तो कूल माइंडेड थी और मुझे वैसे भी मेरे फेवरेट गाने ही थे रशिया कमर और टिप टिप बरसा पानी तो उस पर तो मैं ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और वैसे भी मैं पब्लिक को कभी देखती नहीं हूँ मैं सामने ही देख देख के परफॉर्म करती रहती हूँ. आसपास मुझे कुछ नहीं पता कि सामने क्या हुआ. अभी जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी जूती किसी के ऊपर चली गई डांस करते करते तो वो थोड़ा सा हुआ बेचारों को लग गई शायद. सॉरी. ओके कितनी एक्साइटेड थी इस परफॉर्मेंस के लिए और कितने दिन से प्रिपरेशन चल रहा था? ना ये सिर्फ 2 घंटे प्रिपरेशन किया था उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था. बाकी एक्साइटेड हम हमेशा रहते हैं बिकॉज जब भी नई चीज़ होती है नया काम होता है एक्साइटमेंट तो रहता है. मेरी आवाम को न्यू ईयर बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो और नए साल पे हम और अच्छा काम करेंगे और धमाल करेंगे. यार हम आपने हमेशा जोड़ी में ही हमें देखा है आते हुए जाते हुए और शुरुआत हमने जोड़ी में ही की थी जब इंडस्ट्री में आए थे. हमने साथ में शो स्टार्ट किया था बहुत सारे रियलिटी शो साथ में किया लेकिन कभी जोड़ी अवार्ड नहीं मिली थी हमें कभी नहीं मिला तो ये जोड़ी अवार्ड हमें मिला फाइनली. और देवीना तो बहुत इमोशनल हो गई थी. नो इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर टू ऑलवेज गेट एन अवार्ड और हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है पर ये नहीं पता था कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड भी मिलेगा. सो आई मीन
अवार्ड से जब नवाजा जाता है, मतलब वो बहुत ही आप जब एक अच्छा काम करते हो और कठिन चीज़ों को पार करते हो, सो वाओ, दैट्स फॉर अस.